सन 1330 में ओरखान गाजी को उस्मानी ख़ानदान के एक फ़र्द करा खलील ने मशवरा दिया कि जंगों में जो ईसाई बच्चे कैदी बना लिए जाते हैं उनमें से 10-12 साल की उम्र के ऐसे बच्चों को मुंतखब किया जाए जो जहनी और जिस्मानी लिहाज से सेहतमंद हों और उनको इस्लाम की दावत देने के साथ साथ फौजी तरबियत भी दी जाए। और खान को ये तजवीज़ बहुत पसंद आई। उन्होंने अपने भाई अलाउद्दीन को इस नई फ़ौज की तरबियत और तंजीम की जिम्मेदारी सौंप दी। अलाउद्दीन ने इस फौज में ईसाई जंगी कैदियों, हथियार डालने वाले यूनानियों और बाहर से आने वाले तातारियों के नौ उम्र बच्चों को शामिल करना शुरू कर दिया। इस नई फौज का पहला दस्ता मुरतब हुआ तो और खान गाजी ने इस दस्ते के नौ उम्र सिपाहियों को लेकर उस वक्त के एक बहुत बड़े बुजुर्ग हाजी बख्ताश के पास ले गए ताकि उनसे दुआ लें। हाजी बख्ताश ने अपने जुब्बा की आस्तीन उन लड़कों के कायद के सर पर रख दी और फरमाया, इस दस्ते का नाम यनीचरी है।